हेलो एवरीवन, वेलकम टू DSS ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ रीना चौरसिया, योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7, दैट इज़ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूजिंग फ्लोचार्ट्स। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट फ्लोचार्ट्स इन क्लास 5th। ओके, इन क्लास 6 वी विल रिवाइज अबाउट फ्लोचार्ट्स एंड लर्न सम न्यू टॉपिक्स रिलेटेड टू फ्लोचार्ट्स। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट फ्लोचार्ट्स। द पर्पज ऑफ अ फ्लोचार्ट इज टू रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शंस ग्राफिकली। आप फ्लोचार्ट जानते ही हैं क्या होता है, एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो क्या होता है फ्लोचार्ट का पर्पज, क्यों हम फ्लोचार्ट यूज़ करते हैं? तो फ्लोचार्ट हम इंस्ट्रक्शंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। पर्पज़ क्या है इसका, फ्लोचार्ट को यूज़ करने का? इंस्ट्रक्शंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। हियर आर टू एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज अराउंड अस एंड सेकंड वन इज इन कंप्यूटर्स। When you want to reach a particular place in a city, it will be easier for you if somebody draws a map of the place. अगर आप किसी particular place पर पहुँचना चाहते हैं, किसी city में किसी particular place पर आप पहुँचना चाहते हैं, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपका पहुँचना अगर कोई वहाँ का map draw करके आपको दे दे। You can visually see the route to the destination. आप visually उस डेस्टिनेशन का रूट देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी सिटी में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, तो अगर कोई आपको मैप ड्रॉ करके दे दे उस प्लेस का, तो आप विजुअली उस रूट को देख पाएंगे और इजीली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। इन कंप्यूटर्स, इन द सेम वे इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स एंड हाउ दे आर सिक्वेंस्ड इफ वी कैन सी अ फ्लो ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स इन अ पिक्टोरियल फॉर्म फ्लो चार्ट। ठीक उसी तरह ये अगर कोई हमें जो भी स्टेप्स हैं उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे दे, मीन्स की पिक्टोरियल फॉर्म में दे दे, तो हम क्या कर सकते हैं, ईजिली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स, क्या हो जाएगा इससे, स्टेप्स को समझना आसान हो जाएगा। एंड हाउ दे आर सिक्वेंस्ड, और ये समझना भी आसान हो जाएगा कि वे स्टेप्स कैसे सिक्वेंस्ड हैं, किस सिक्वेंस में वो इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। इफ वी सी अ फ्लो ऑफ द प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स इन पिक्टोरियल फॉर्म, अगर हम उन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को पिक्टोरियल फॉर्म में देखें, तो हम ईजिली ये समझ सकते हैं कि कैसे उन इंस्ट्रक्शंस को सिक्वेंस किया गया है। ओके, और हम उस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी पिक्टोरियल फॉर्म को, मीन्स की इंस्ट्रक्शंस को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, अ फ्लोचार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फ्लोचार्ट क्या होता है, फ्लोचार्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को अगर हम सीक्वेंस में लिखते हैं और उसको पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लोचार्ट। ठीक है, तो फ्लोचार्ट क्या हो गया, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, फ्लोचार्ट कहलाता है। इन अ फ्लोचार्ट ईच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप इज मेंशन्ड इनसाइड द बॉक्स ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप। फ्लोचार्ट में हर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप को एक स्पेसिफिक बॉक्स में रखा जाता है। द शेप ऑफ द बॉक्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एक्शन इट होल्ड्स, और हर बॉक्स का अलग अलग वर्क होता है, तो
उस बॉक्स का शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप के एक्शंस हम पुट करेंगे, ठीक है। दीज बॉक्सेस आर देन कनेक्टेड विथ ईच अदर यूजिंग लाइन्स कॉल्ड फ्लो लाइन्स। फिर उसके बाद जब हमने बॉक्सेस के फॉर्म में रख दिया, ठीक है, स्टेप्स को, फिर उन बॉक्सेस को कनेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, लाइन्स चाहिए, और उन लाइन्स को हम क्या कहते हैं, फ्लो लाइन्स कहते हैं। फ्लो लाइन्स के थ्रू ही सारे बॉक्सेस एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। दीज फ्लो लाइन्स आर मार्क्ड विथ एरोहेड्स टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। और इन फ्लो लाइन्स में एरोहेड लगे होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं फ्लो का, मीन्स कि किधर से किधर जा रहा है इंस्ट्रक्शन, उसका डायरेक्शन बताते हैं, मीन्स अब किधर जाना है, किस डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है उसका, उस इंस्ट्रक्शन का, तो इसका डायरेक्शन कौन बताता है, फ्लो लाइंस बताते हैं। जिधर उसका एरोहेड रहेगा उधर उस प्रोग्राम का फ्लो रहेगा। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस एंड द पर्पस फॉर विच दे आर यूज इन द मेकिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। चलिए हम देखते हैं अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्स और उनके पर्पस, ठीक है, जो हम फ्लो चार्ट बनाने में यूज करते हैं। नेम ऑफ द बॉक्स, शेप ऑफ द बॉक्स, पर्पस ऑफ द बॉक्स। फर्स्ट वन इज टर्मिनल बॉक्स। तो टर्मिनल बॉक्स का शेप ये है, देख लीजिए ध्यान से। अब पर्पज क्या है इस बॉक्स का, दिस बॉक्स इज यूज्ड एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। इस बॉक्स का हम यूज़ करते हैं बिगनिंग में और एंड में, फ्लो चार्ट के बिगनिंग में मतलब फ्लो चार्ट के शुरुआत में और फ्लो चार्ट के एंड में हम इस टर्मिनल बॉक्स का यूज़ करते हैं। व्हेन यूज्ड एट द स्टार्ट, स्टार्ट इज रिटन इन इट। जब हम इसको स्टार्ट फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो इसमें क्या लिखा रहता है, स्टार्ट, START। एंड व्हेन यूज्ड एट द एंड, स्टॉप इज रिटन इन इट। और जब हम इसको एंड में यूज़ करते हैं तो इसमें क्या लिखा रहेगा, स्टॉप, STOP, स्टॉप, ओके। सेकेंड वन इज इनपुट आउटपुट बॉक्स। शेप ऑफ इनपुट आउटपुट बॉक्स इज लुक लाइक दिस। पर्पज ऑफ इनपुट आउटपुट बॉक्स, वॉट इज द पर्पज ऑफ इनपुट आउटपुट बॉक्स। सो दिस बॉक्स इज यूज टू सजेस्ट द इनपुट ऑफ डेटा और द आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी अगर इनपुट आप कर रहे हैं या फिर आपको आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो आप इस बॉक्स का यूज करेंगे। थर्ड इज प्रोसेसिंग बॉक्स। प्रोसेसिंग बॉक्स इज लुक लाइक दिस। दिस बॉक्स होल्ड द इंस्ट्रक्शंस टू डू द प्रोसेसिंग एक्ट। इस बॉक्स में वो इंस्ट्रक्शंस रखते हैं जिस पर प्रोसेसिंग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स लाइक सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एवीजी इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाई एन, इट इज विल कम इन दिस बॉक्स। जैसे कि प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या हैं, सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, मीन्स कि एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड करके किस में रखना है, हमें सम में रखना है, तो ये प्रोसेसिंग स्टेप हैं। तो प्रोसेसिंग स्टेप्स को हम किस में रखेंगे, इस प्रोसेसिंग बॉक्स में रखेंगे, ओके। डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स इज लुक लाइक डायमंड शेप। दिस बॉक्स इज यूज्ड व्हेन सम कंपैरिजन हैज टू बी मेड एंड फर्दर एक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट ऑफ इट। जब हमको कोई कंपेरिजन करना होता है तब हम डिसीजन बॉक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपेरिजन करके हम कुछ डिसीजन लेना होता है तब हम किस बॉक्स का यूज़ करते हैं, डिसीजन बॉक्स का। और फिर आगे के एक्शन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उस कंपेरिजन का रिजल्ट क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू टेस्ट इज एक्स ग्रेटर देन वाई और इज सम लेस देन 50, दीज स्टेटमेंट्स विल कम इन दिस बॉक्स। जैसे अगर आपको कंपेरिजन करना है कि क्या एक्स वाई से ग्रेटर है, तो अगर आपको ये स्टेप लिखने हैं तो ये आप स्टेप किस में लिखेंगे,
डिसीजन बॉक्स में, या फिर अगर आपको कंपैरिजन करना है, इज सम लेस देन 50, क्या सम 50 से लेस है, 50 से कम है, तो ये भी क्या है, कंपैरिजन हो रहा है ना यहाँ पे भी, तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, डिसीजन बॉक्स में. ओके, द रिजल्ट ऑफ सच स्टेटमेंट्स विल बी आइदर यस और नो. और इन ऐसे स्टेटमेंट्स का रिजल्ट या तो यस आएगा या नो आएगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लोचार्ट. ड्रॉ फ्लोचार्ट टू एंटर टू नंबर्स एंड फाइंड देयर सम. इफ द सम इज ग्रेटर देन 50, प्रिंट मोर, अदरवाइज प्रिंट लेस. क्या फ्लोचार्ट है कि इस बात के लिए है कि टू नंबर्स को हमको एंटर कराना है और उन टू नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, और अगर सम 50 से ग्रेटर होता है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, मोर, और अगर सम 50 से कम होता है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, लेस. तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये है टर्मिनल बॉक्स, और इस टर्मिनल बॉक्स में हमने लिख दिया है स्टार्ट. सेकेंड इज इनपुट बॉक्स. अब हमें टू नंबर्स का सम कराना है, टू नंबर्स को ऐड कराना है, तो पहले हमें वो टू नंबर्स को एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, एंटर कराना पड़ेगा ना, इनपुट कराना पड़ेगा कंप्यूटर में. तो इनपुट कराने के लिए हमारे पास कौन सा बॉक्स होता है, ये है इनपुट आउटपुट बॉक्स. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट ए कॉमा बी. अब उसके बाद हमने क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया, इनपुट भी करा लिया. अब इनपुट कराने के बाद हमको क्या कराना है, प्रोसेसिंग कराना है. तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये रहा हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स, इसमें हम क्या लिखे हैं, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. मतलब ए और बी को सम करना है, और सम करके उसको किस में स्टोर करना है, सी में. ओके, नेक्स्ट इज, और ये आप देख रहे हैं ये फ्लो लाइन्स हैं, देख रही है आपको, और इसका डायरेक्शन एरोहेड नीचे की तरफ है ना, मीन्स किसका फ्लो, इस फ्लो चार्ट का फ्लो किधर जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, फिर है यहाँ पे डिसीजन बॉक्स. इज सी ग्रेटर देन 50, क्या सी की जो वैल्यू आएगी, मींस कि ए और बी को अगर हम ऐड करते हैं तो जो वैल्यू आती है क्या वो 50 से ग्रेटर है. इफ एस, अगर हाँ ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट कराएंगे हम मोर. ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये फ्लो लाइन इधर जा रही है, इसका एरोहेड इधर है, मींस कि इसका फ्लो कहाँ जा रहा है, इधर राइट साइड में जा रहा है. तो अगर ये डिसीजन बॉक्स है हमारा, इस डिसीजन बॉक्स में हमने लिखा इज सी ग्रेटर देन 50, अगर सी 50 से ग्रेटर होता है, ट्रू हो गया अगर कंडीशन, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट मोर. लेकिन अगर जो सम आया वो 50 से लेस है, 50 से कम है, तो कंपैरिजन में क्या आएगा रिजल्ट, इसका नो आएगा, मीन्स कि जो हमारा कंडीशन है वो फॉल्स हो गया कंडीशन. तो फ्लो किधर आएगा, इधर आएगा, इसका डायरेक्शन इधर है आप देख रहे हैं, और फिर क्या प्रिंट कराएगा, प्रिंट लेस. और ये आप देख रहे हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स है ये, तो जब हमें आउटपुट डिस्प्ले कराना है, क्या आउटपुट डिस्प्ले कराना है हमें, लेस, तो इसके लिए हमने किस बॉक्स का यूज़ किया है, आउटपुट बॉक्स का. ओके, और सबसे लास्ट में आपने क्या पढ़ा है कि क्या हम यूज़ करते हैं स्टॉप के लिए, टर्मिनल बॉक्स. तो फिर इस टर्मिनल बॉक्स से हम इसको स्टॉप कर देंगे. तो ये फ्लो चार्ट क्यों है कि हमें टू नंबर्स एक्सेप्ट करा, इनपुट कराने हैं, इनपुट कराने के बाद प्रोसेसिंग कराना है, प्रोसेसिंग कराने के बाद हमें कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर ये कंपैरिजन ट्रू होता है तो हमें मोर प्रिंट कराना है, और ये कंपैरिजन अगर फॉल्स होता है तो हमें लेस प्रिंट कराना है, और फिर हमें फ्लो चार्ट को स्टॉप कर देना है. ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड अबाउट फ्लो चार्ट बॉक्सेस. वेरियस प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट. We can have three types of programming construct which we will be learning through flowcharts. There are three types of programming construct. First one is sequence construct, second is decision construct, and third one is repetition construct or loop construct. Okay, so first of all,
लेट्स लर्न अबाउट सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट. इन द सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम फ्लो सिंपली मूव्स फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू द नेक्स्ट. सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में क्या होता है, प्रोग्राम का फ्लो सिंपली एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू मेक फ्रूट जूस. आपको फ्रूट जूस बनाने के स्टेप्स पता हैं, कैसे आप फ्रूट जूस बनाएंगे, घर में सब लोग बनाते होंगे. तो क्या करना होता है, हमें देखते हैं वन बाय वन फ्लो चार्ट के थ्रू. सबसे पहले क्या है, हम स्टार्ट करेंगे. उसके बाद क्या है, पुट फ्रूट्स इन जूसर. अगर हमें जूस बनाना है तो क्या करना होगा, हमें फ्रूट्स को जूसर में रखना होगा. फिर क्या है, स्विच ऑन द जूसर. फिर हम जूसर को ऑन करेंगे. फिर क्या है, एक्सट्रैक्ट जूस. फिर हम जूस को निकाल लेंगे. फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज पुट इट इन द ग्लास. फिर हम जूस को क्या करेंगे, ग्लास में रखेंगे. फिर क्या है, स्टॉप. ठीक है, तो अगर हमें जूस बनाने हैं तो जूस बनाने का फ्लो चार्ट ये हो गया. ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कंप्यूटर में. ड्रॉ फ्लो चार्ट टू ऐड थ्री नंबर्स. थ्री नंबर्स को ऐड करने का हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है. कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट ए कॉमा बी कॉमा सी. हमें थ्री नंबर्स को ऐड कराना है ना, तो उन थ्री नंबर्स को पहले हम इनपुट कराएंगे, तभी तो ऐड कर पाएंगे. तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट ए कॉमा बी कॉमा सी. उसके बाद हम क्या कराएंगे, प्रोसेसिंग कराएंगे. प्रोसेसिंग किस बॉक्स में कराएंगे, प्रोसेसिंग बॉक्स में कराएंगे. तो क्या लिखेंगे हम, डी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. मतलब कि ए बी और सी को ऐड करके किस में स्टोर करना है, डी में. फिर क्या है, फिर है हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स. और इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम प्रिंट डी. मतलब कि जो सम हुआ रहेगा उस सम को हम इसमें डिस्प्ले कराना चाहते हैं. फिर क्या है, स्टॉप. आई बात समझ में, क्या क्या है. अगर हमको थ्री नंबर्स को ऐड कराना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने के बाद इनपुट आउटपुट बॉक्स में हम उन थ्री नंबर्स को इनपुट करा लेंगे. क्या टाइप करेंगे हम, एक्सेप्ट ए कॉमा बी कॉमा सी. उसके बाद हम प्रोसेसिंग बॉक्स में प्रोसेसिंग कराएंगे. क्या टाइप करेंगे हम, डी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. फिर क्या करेंगे हम, फिर हम इनपुट आउटपुट बॉक्स का यूज़ करेंगे सम को प्रिंट कराने के लिए. और हम क्या लिखेंगे, प्रिंट डी. और लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे. स्टॉप करने के लिए किस बॉक्स का हम यूज़ करते हैं, टर्मिनल बॉक्स का. ओके, आ रही है बात समझ में.